नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएसटीसी प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज की जो हमारी आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। और ये हमारा पंचम प्रश्न पत्र है हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार। और साथियों, जो पंचम पाठ्यक्रम की जो इकाई प्रथम का अध्ययन हमने कर लिया है और आज हम इकाई द्वितीय की शुरुआत करने जा रहे हैं। और द्वितीय इकाई जो है हमारी हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन। हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन को लेकर हम इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि हिंदी भाषा शिक्षण में हिंदी भाषा शिक्षण के पीछे किस प्रकार के उद्देश्य कार्यरत हैं। उन सभी उद्देश्यों का अध्ययन हम बिंदुवार करना इसमें करेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा प्रकरण है वो है मातृभाषा हिंदी शिक्षण का महत्व। मातृभाषा हिंदी शिक्षण का महत्व। अब साथियों, मातृभाषा एक अवधारणा है। मातृभाषा के बारे में आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि मातृभाषा हम उसे कहेंगे जब बालक विद्यालय आता है तो विद्यालय में वो वर्णमाला सीखता है, व्याकरण के नियमों को सीखता है, एक साहित्यिक भाषा को पढ़ता है, समाचार पत्र पत्रिकाओं को सीखता है, पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम को सीखता है। और उसके बाद में भाषा का जो परिष्कृत रूप है, व्याकरणिक रूप है, शुद्ध रूप है एवं उच्चारण की दृष्टि से उसकी शुद्धता एवं परिमार्जित जो परिमार्जितता है वहाँ एक उच्च स्तरीय होती जाती है, तो वो भाषा का जो रूप होगा वो मानक रूप कहलाएगा। लेकिन उससे पहले जो बालक विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व वो अपने परिवार से, अपने परिजनों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों एवं आस पड़ोस के जो वातावरण से जिस प्रकार की भाषा को ग्रहण करता है, भाषा को अर्जित करता है, जिस शब्दावली को वो सीखता है, वो भाषा उसकी मातृभाषा कहलाएगी। हालांकि ये जो मातृभाषा को परिभाषित करने का जो एक मातृभाषा को परिभाषित करने का जो एक संक्षिप्त में कह सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा को परिभाषित करना कुछ ही शब्दों में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम मातृभाषा को एक सामान्य सामान्य स्वरूप में हम उसको एक अर्थ की दृष्टि से समझ सकते हैं कि जो माता के सानिध्य में रहकर भाषा को अर्जित किया जाए वो भाषा मातृभाषा है। तो ये मातृभाषा है। लेकिन हम भारतीयों में अब बहुत से राज्यों की भाषा मातृभाषा हिंदी है। बहुत से भारत के ऐसे राज्य हैं जो हिंदी मातृभाषा को अपनाते हैं, जैसे कि हमारा राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब की जो भाषा है या बुंदेलखंड की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। और इसी भाषा हिंदी भाषा के चलते हम ये मान सकते हैं कि हम भारतवर्ष में जो हिंदी को मातृभाषा मानने वाले जो लोग हैं वो 60% हैं। 60% लोग हैं जो हिंदी को मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। हिंदी को 60% लोग हैं जो मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि 60% में निवास करने वाले, 60% क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो भाषा है, मातृभाषा है, वो हिंदी है। लेकिन इस देश में पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 75% लोगों की जो भाषा है दैनिक जीवन की या उपयोग में या समस्त भाषा का जो प्रयोग करते हैं, एक बड़े स्तर पर भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो 75% या 75% लोग हिंदी भाषी हैं। 60% भूभाग पर हिंदी बोली जाती है, जबकि 75% जिसके बोलने वाले हिंदी प्रेमी लोग भारत में निवासरत हैं। तो एक आंकड़ों के अनुमानित ढंग से हम इसको समझने का प्रयास इस तरह से भी करते हैं। तो अब बात आती है हमारे सामने कि जो मातृभाषा है उसमें, मातृभाषा में हम
शिक्षण करा रहे हैं या मातृभाषा में बालकों को शिक्षण के रूप में हमारी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये हमें हमेशा एक कह सकते हैं कि उनका जो प्रभाव रहता है कि मातृभाषा में शिक्षण कराया जाए। तो मातृभाषा में शिक्षण किन किन बिंदुओं के पर आधारित मानकर हम करा सकते हैं, या मातृभाषा के रूप में हिंदी का हम शिक्षण कराने जा रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो मैंने कुछ उद्देश्यों को बिंदुवार समझने का प्रयास किया है। तो आज हम 5 बिंदुओं का अध्ययन इस प्रकरण के माध्यम से करेंगे और बाकी जो शेष बिंदु बचते हैं उनको भी हम बिल्कुल एक क्रम के आधार पर उनका अध्ययन हम करेंगे। तो साथियों आइए बढ़ते हम जो प्रथम जो मातृभाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है उस बिंदु के प्रथम की ओर, सरसता व पूर्णता की अनुभूति। सरसता व पूर्णता की अनुभूति। साथियों मातृभाषा शिक्षण में हमेशा कोई भी बात कहने में हमें एकदम सरसता लगती है, पूर्णता भी लगती है। यदि हमें कोई बात जैसे हम ऐसे क्षेत्र में जाते हैं या हमें कोई बात कहनी है और हमको लग रहा है कि हमारी अन्य भाषाओं पे इतनी पकड़ नहीं है या उस पे हमारे जो बोलचाल की जो मतलब अधिकार क्षेत्र है उतना नहीं होगा जितना कि हिंदी में है, तो हम अपनी बात किसी विद्वान या पढ़े लिखे व्यक्ति या सभ्य सुसंस्कृत व्यक्तियों के बीच में हमारी बात कहनी पड़े या अन्य शिक्षकों से अपनी बात समझानी पड़े या पढ़े लिखे विद्यार्थियों को अपनी बात समझानी पड़े तो हम निश्चित रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसमें अपनी बात और अभिव्यक्ति का कहने में हमें बहुत सहजता अनुभव होगी और साथ में हमको लगेगा कि हम इस बात में इस बिंदु को हम अपनी मातृभाषा में समझाते हैं तो उसको पूरी तरह से पूर्णता के साथ में समझा पाएंगे। दूसरा है शिक्षा का मुख्य आधार। अब साथियों हिंदी शिक्षण में शिक्षा का जो मुख्य आधार है वो भी मातृभाषा है। आपने देखा होगा कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, ठीक उसी प्रकार से जो बाल केंद्रित शिक्षा है या NCF 2005 राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इन सबकी जो अभिशंसाएं हैं वो क्या निकल कर सामने आती है? उन सबकी जो अभिशंसाएं इस बात को जो द्योतक हैं कि शिक्षा का जो मुख्य आधार है वो मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तरीय जो शिक्षण कार्य हैं वो मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा एक ऐसा विकल्प है जो बालक के शिक्षण को एक मुख्य आधार, एक नींव, एक संबल प्रदान करता है और बिना प्राथमिक स्तर का जो शिक्षण है बालक को मातृभाषा में ही कराना चाहिए, किसी अन्य भाषा में नहीं। इस बारे में विवेकानंद, राजा मोहन राय या फिर यूँ कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं या फिर विवेकानंद के विचार हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जो शांति निकेतन चलता था जहाँ से सभ्यता और संस्कृति निबंध से उनकी जो अवधारणाएँ बाल केंद्रित शिक्षा की ओर बढ़ती हैं, उनके विचार में इसी बात को मतलब पुष्ट करते हैं कि मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षण कराना चाहिए। साथ में इस बात को भी साबित किया जाता है कि गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी ये बात बिल्कुल जोर शोर के साथ कही गई है कि प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में होना चाहिए। अगला जो बिंदु है अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता एवं प्रभावों उत्पादकता। तीसरा जो बिंदु है मातृभाषा हिंदी शिक्षण के रूप में, तो अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता एवं प्रभावोत्पादकता संभव। मातृभाषा में यदि हम शिक्षण कराते हैं तो मातृभाषा शिक्षण कराने में हमें सबसे ज़्यादा इस बात का प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि एक तो हमें अपने जो मन के भावों की जो अभिव्यक्ति हैं वो स्वाभाविक रूप से बिल्कुल सहज तरीके से कर सकते हैं। अन्य भाषाओं की तुलना में हम अपनी मातृभाषा के अंतर्गत अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति बहुत ही सरल और सहज ढंग से कर सकते हैं और उसमें मातृभाषा में करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं कि यदि हमारी मातृभाषा में हमारा जो ज्ञान है वो अच्छा है, उसको कहीं ना कहीं हम एक भावनात्मक रूप से भी हम उस भाषा को ज़्यादा लगाव रखते हैं, उसमें रुचि दिखाते हैं, उसके हमेशा उसके लिए हम तत्पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बात या अभिव्यक्ति देने में हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम अच्छी शब्दावली, अच्छी विचारों का, अच्छे तथ्यों का समावेश वहाँ पर करेंगे जिससे कि हमारी अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति भी हो जाती है और अगला
जो अगला व्यक्ति या जो व्यक्तियों का जो समूह है जिस विचार को हम उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव भी उनके समक्ष जाता है। अगला जो बिंदु है नंबर 4 पर, सामाजिक एकता में सहायक। सामाजिक एकता में सहायक इस प्रकार से है कि जो हमारी मातृभाषा है वो हमारी सामाजिक एकता में भी सहायक है। वो इस प्रकार से है साथियों कि जब हम हमारा जैसे प्रदेश राजस्थान है और भी जो हमारे भारत में अनेक राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान है वो सबकी भाषा लगभग अलग अलग है या फिर क्षेत्र बोलियों का प्रभाव भी वहाँ पर है, तो हम उनके राज्य में जाते हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति को समझते हैं, तो जब हमारे पास में एक मातृभाषा के रूप में अगला राज्य का व्यक्ति भी उस मातृभाषा को समझता है, तो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो एक दूसरे से मतलब कहीं ना कहीं जुड़ती जाएगी। हमारा जो पड़ोसी राज्य गुजरात है वो भी हिंदी भाषा को समझता है, हालांकि उसकी भाषा गुजराती है, लेकिन फिर भी हमारा जो राजभाषा राष्ट्रभाषा के साथ में उसका जो भी वो भी मतलब उसको सपोर्ट करता है और समझता है। तो यदि वहाँ के लोग मातृभाषा हिंदी को जानते हैं और हम भी हिंदी जानते हैं तो उनकी सभ्यता और संस्कृति को समझ सकते हैं, हम वो भी हमारे यहाँ पर आते हैं तो विभिन्न दर्शनीय स्थलों के माध्यम से, पर्यटन स्थलों के माध्यम से यहाँ की सभ्यता संस्कृति और इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मातृभाषा एक ऐसा विकल्प है जो मतलब सामाजिकता को जोड़ता है। पांचवा जो बिंदु है यहाँ पर, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। अब व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास मैंने साथियों इस मैंने बताया कि महापुरुषों ने या जो भाषाविदों ने जैसे शांति निकेतन की बात की, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा मैंने, या विवेकानंद के बारे में, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की भी सिफारिश करती हैं, विभिन्न जो बालकों के लिए कानून बने हुए हैं NCF है, इस बात पर कहती बिल्कुल जोर देते हैं कि जो बालक का जो प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में होना चाहिए और मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षण यदि कराया जाता है तो बालक का बौद्धिक, उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका संवेगिक सभी प्रकार की जो विकास है, वह यहाँ तक कि यूँ मान सकते हैं कि बालक का जो सर्वांगीण विकास है, बालक के जो सभी अंगों का जो विकास है वो कहीं ना कहीं मातृभाषा के अंदर सिमटा हुआ है। यदि मातृभाषा में यदि इसको शिक्षण कराया जाता है तो बालक निश्चित रूप से अपने शिक्षण कार्य में रुचि लेगा और शिक्षण कार्य में रुचि लेगा तो वो शिक्षण के साथ साथ शिक्षण की सहायक गतिविधियों में भी अपना हमेशा एक रुचि लेगा, सहभागिता का निर्वाह करेगा और इन निर्वाह के बावजूद ही वो व्यक्ति शिक्षण कार्य में आगे बढ़ेगा। और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो बालक उस पठन पाठन में कभी रुचि नहीं लेगा और बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होगा और अंत में उसका जो शैक्षिक विकास है वो भी प्रभावित होगा और हमें शिक्षण सहायक जो उद्देश्य हैं वो कभी प्राप्त नहीं हो सकते। तो साथियों, मातृभाषा शिक्षण को लेकर आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तो हम शेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।